पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से लगाए गए आपातकाल की वर्षगांठ पर 25 जून को भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में विरोध दिवस मनाएगी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि 47 वर्ष पूर्व इंदिरा गांधी ने सत्ता की लालच में देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। इंदिरा गांधी ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए प्रेस के सेंसरशिप, विपक्षी नेताओं को जेल व नागरिक अधिकारों को समाप्त कर मनमानी की, मौलिक अधिकारों को कुंद कर दिया गया, लोकतंत्र बहाल करने के आंदोलन के कारण अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई विपक्षी नेताओं को यातनाएं सहनी पड़ी, भारतीय जनसंघ के सबसे अधिक कार्यकर्ताओं को जेल के सलाखों के भीतर 19 महीने काटना पड़ा। इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैया और आपातकालीन के खिलाफ 25 जून को भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में काला दिवस और आपातकाल विरोध दिवस के रूप में मनाएगी। आपातकाल विरोध दिवस पर प्रदेश कार्यालय में आपातकाल के खिलाफ व लोकतंत्र बहाल करने के आंदोलन में शामिल नेताओं को सम्मानित किया जाएगा। आज देश में इस प्रकार के तत्व जो खास करके लोकतंत्र विरोधी तत्व जो स्वभाव से लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र को अपनाना नहीं चाहते, ऐसे तत्व राजनीति क्षेत्र में कुछ दल के लोग इसमें सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को न केवल लोकतंत्र की समर्थक है, लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था है और हमने अपने पार्टी के आंतरिक संगठन में भी लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाया है। हमारी कार्यपद्धति तो लोकतांत्रिक है, तो लोकतंत्र पर पूरी आस्था, इसलिए हम जब पार्टी के संविधान में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के संविधान में हमने लोकतंत्र के प्रति आस्था व्यक्त किया है और हमें इस बात का फक्र है कि भारतीय जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी कोई कार्यकर्ता करता है। हमारे यहाँ वंशवाद और परिवारवाद जो दूसरे राजनीतिक दल में है, भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर है। तो हम इस अवसर पर आपातकाल विरोध दिवस 25 जून को पूरे प्रदेश में मनाने वाले हैं। यहाँ प्रदेश मुख्यालय में प्रमुख कार्यक्रम होगा। प्रदेश कार्यालय समेत जिला कार्यालय में भी वर्चुअल माध्यम से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुखर संवाद के लिए शिल्पी की रिपोर्ट। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।